तो हमारा आज का टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन समझने से पहले हमें एक शब्द को समझना होगा जिसका नाम है अभिलंब। अभिलंब कैसे बनता है और कहां बनता है? पहली बात, अभिलंब बनता है आपतन बिंदु पर, अर्थात आने वाली प्रकाश किरण जहां पर पृष्ठ पर गिरती है, आने वाली प्रकाश किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है वह आपतन बिंदु है। चित्र में समझे में यार, चित्र में समझेंगे हम लोग आगे। सेकंड, पृष्ठ पर लंब होता है। कौन सा पृष्ठ? जो पृष्ठ माध्यम फर्स्ट व माध्यम सेकंड को अलग अलग करेगा उस पर यह होगा लंब, और बढ़ता कहां है? आपतन बिंदु पर। माना कि यह अंतरापृष्ठ है, अंतरापृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकेंड, दो माध्यमों को पृथक करता है। इन माध्यमों की विशेषता है कि यह पारदर्शी है, पारदर्शी माध्यम है, और दूसरी विशेषता है समांगी। पारदर्शी आप जानते हैं कि प्रकाश इसमें से गति कर सकता है, समांगी पूरा माध्यम एक जैसा है, यही विशेषता माध्यम सेकंड की भी है। तो कोई प्रकाश किरण माध्यम फर्स्ट में गति करते हुए अंतरापृष्ठ पर आपतित है, तो अपने को अभिलंब बनाना है। तो अभिलंब बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि आपतन बिंदु पर बनाया जाए। तो आपतन बिंदु, यह बिंदु आपतन बिंदु है, यहां प्रकाश किरण आई है तो यह आपतन बिंदु है। और दूसरी बात का ध्यान रखेंगे कि वह पृष्ठ के क्या हो? लंबवत हो। तो इस पृष्ठ के लंबवत और आपतन बिंदु पर इस प्रकार से हम अभिलंब बढ़ा सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। और ये प्रकाश किरण क्या कहलाएगी? आपतित प्रकाश किरण कहलाएगी। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है तो वह अपने मूल पथ वास्तविक पथ को छोड़ करके मुड़ जाता है, और ये घटना है जो मुड़ने की घटना है इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और यह प्रकाश किरण क्या कहलाएगी? अपवर्तित प्रकाश किरण कहलाएगी। इसने जो अभिलंब के साथ कोण बना रखा है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण, उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन का मूल कारण क्या है? अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन का मूल कारण है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग परिवर्तित हो जाता है। माध्यम परिवर्तित होगा तो प्रकाश का वेग भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। सघन माध्यम जो होता है उसमें प्रकाश का वेग कम होता है, और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। वेग में कमी ज्यादा होगी तो प्रकाश किरण मुड़ेगी ज्यादा, और वेग में कमी कम होगी तो प्रकाश किरण कम मुड़ेगी। कारण के बाद हम बात करते हैं नियम। अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम, आपतित किरण अभिलंब कहां है? आपतन बिंदु पर है। वह अपवर्तित किरण
तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब अगर बोर्ड के तल को टच करते हुए आपतित किरण है तो बोर्ड के इस तल में ही अभिलंब होगा। अभिलंब यूं नहीं हो सकता, ना यूं हो सकता, ऐसे ही होगा। और बोर्ड के तल में ही गति करेगी अपवर्तित किरण, अर्थात तीनों एक ही तल में बिलोंग करेगी ऐसे। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम है क्या? स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात है वह एक नियतांक होगा, वह एक नियतांक होगा। इस नियतांक को क्या कहते हैं? इस नियतांक को कहते हैं सेकेंड माध्यम का फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। कौन से माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात होता है? जिस माध्यम में अपवर्तित प्रकाश किरण गति करती है उसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात होता है स्नेल के नियम से। ये अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक का अर्थ है कि प्रकाश के रास्ते में रुकावट का बोध करवाना। अपवर्तनांक की वैल्यू ज्यादा है तो प्रकाश के रास्ते में रुकावट बढ़ रही है, और अपवर्तनांक की वैल्यू कम है तो प्रकाश के रास्ते में रुकावट घट रही है, अर्थात रुकावट को बताता है। प्रकाश के रास्ते में रुकावट को बताता है। प्रकाश के रास्ते में रुकावट बढ़ेगी तो वेग क्या होगा? रुकावट अगर बढ़ती है तो वेग क्या होगा? वेग कम होगा, वेग में कमी होगी। रुकावट अपरिवर्तित रहती है तो वेग भी अपरिवर्तित रहेगा। तो आगे समझते हैं कि ये जो है माध्यम सेकंड का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसे रिप्रेजेंट एन 2:1 से किया जाता है। 2 मतलब सेकंड का अपवर्तनांक फर्स्ट के सापेक्ष। यदि n21 का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मान होने का मतलब रुकावट ज्यादा है, रुकावट ज्यादा तो वेग में कमी होगी, वेग में कमी होगी। इस स्थिति में जो ये आपका स्नेल का सूत्र है ये बताता है अपने को कि साइन i बटा साइन r का मान भी 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर n21 की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो साइन i बटा साइन r की वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगी। तो साइन आई बड़ा होगा साइन आर से। साइन आई यदि साइन आर से बड़ा है तो इसका मतलब आई बड़ा होगा आर से, आई की वैल्यू ज्यादा होगी आर से। डायग्राम में देखते हैं आई बड़ा है आर छोटा है जैसा प्रदर्शित है। तो इस स्थिति में प्रकाश किरण किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ रही है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो हम कह सकते हैं यदि अपवर्तनांक की वैल्यू 1 से ज्यादा है अर्थात रुकावट ज्यादा है, सेकंड माध्यम की रुकावट ज्यादा है फर्स्ट की तुलना में, तो प्रकाश किरण किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर। झुकेगी और यदि इस अपवर्तनांक की वैल्यू n21 की वैल्यू 1 से छोटी है तो रुकावट जो है वो कम हो गई है, जो सेकंड माध्यम की रुकावट फर्स्ट की तुलना में कम हो गई है, तो वेग क्या हो जाएगा? वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। और समीकरण 1 से देखते हैं अपने कि साइन आई बटा साइन आर की वैल्यू है जो वो 1 से कम हो जाएगी, तो साइन
आई कम हो जाएगा साइन आर से, और यह तभी संभव है यदि आई भी कम हो आर से, आई छोटा हो आर से। आप देख रहे हैं कि आई यदि आर से छोटा हो यह तभी संभव है यदि प्रकाश किरण इधर एस से मुड़े अर्थात अभिलंब से दूर हो जाए। आई छोटा कब होगा जब अभिलंब से प्रकाश किरण दूर हो जाए। तो जब अपवर्तनांक की वैल्यू एक से कम होती है तो प्रकाश किरण क्या होती है अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। ये तो होगी स्नेल के नियम की बात। अब अपवर्तनांक की परिभाषा को समझा लें। अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है? अपवर्तनांक की परिभाषा कहती है कि यदि कोई प्रकाश किरण माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में एंटर करती है, माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में एंटर करती है और माध्यम सेकंड में प्रकाश का वेग v2 है और माध्यम फर्स्ट में प्रकाश का वेग v1 है, तो माध्यम सेकंड का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है n21 से v1 बटा v2 होगा, अर्थात प्रथम माध्यम में प्रकाश के वेग व द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात है वो माध्यम सेकंड का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा n21 बराबर v1 बटा v2। इससे भी हम एक बार देख पा रहे हैं कि यदि माध्यम सेकंड सघन है, सघन होगा तो मतलब रुकावट ज्यादा उत्पन्न करेगा, तो रुकावट ज्यादा उत्पन्न करेगा तो वेग क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो v2 क्या है कम है और ये माध्यम विरल है, विरल है तो रुकावट कम उत्पन्न करेगा, रुकावट कम उत्पन्न करेगा तो वेग क्या होगा वेग ज्यादा होगा, तो v1 बड़ा है इसका मतलब और v2 क्या है छोटा है, v1 बड़ा है और v2 छोटा है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि इस भिन्न का मान v1 बटा v2 भिन्न का मान एक से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और n21 भी क्या हो जाएगा एक से बड़ा हो जाएगा। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि अगर ऐसा होता है तो प्रकाश किरण किधर झुकेगी अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि अगर रुकावट बढ़ती है वेग कम होता है, रुकावट बढ़ती है तो फिर n21 की वैल्यू एक से क्या होगी ज्यादा होगी और प्रकाश किरण किधर झुक जाएगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अपवर्तनांक के बाद एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? यदि कोई प्रकाश किरण निर्वात से आती है, निर्वात में वेग v1 से नहीं लिखा जाता, किससे लिखा जाता है c से, निर्वात से किसी माध्यम में आती है, ये माध्यम फर्स्ट मान लेते हैं जिसमें आ रही है, ये वेग v1 मान लेते हैं, निर्वात से माध्यम फर्स्ट में आती है तो माध्यम फर्स्ट का जो निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात है उसे कहेंगे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसी प्रकार से सेकंड माध्यम के लिए हम लिख सकते हैं C अपॉन V2। दोबारा सुन ले निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि कोई प्रकाश किरण निर्वात से माध्यम में प्रवेश करती है
तो माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। उसे निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो n2 और n1 ये दोनों की वैल्यू इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n2 बटा n1 किया जाए तो हम लिख सकते हैं c अपॉन v2 गुणा में v1 अपॉन c, c से c कट हो रहा है और n2 अपॉन n1 बराबर बढ़ जाएगा v1 अपॉन v2। ये रिजल्ट पहले भी बन चुका है v1 अपॉन v2, तो हम देखेंगे कि n2 अपॉन n1 बराबर बन गया है v1 अपॉन v2 बराबर n21 n21। तो यह सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध हो गया। यह सेकंड माध्यम का फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ये सेकंड माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और फर्स्ट माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक और अपवर्तन में इतना ही।